Inside Mohenjo Daro site, when I entered, I saw this dancing girl. This is not the original statue of the dancing girl which was in the civilization of Mohenjo Daro. This is just like, it's not original. The original statue is in India, in a museum. But that looks exactly like this. ये वो dancing girl का मुजस्मा है जो बड़ी मशहूर थी Indus Valley civilization जो Mohenjo Daro की थी. ये original नहीं है, original India में है, लेकिन ये भी है यहाँ पर. तो जो main site है, the main site of Mohenjo Daro is this one. यहाँ से enter होते हैं. और ये मेन साइट है. यहाँ पर जगह जगह इंस्ट्रक्शंस भी है, इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, सिंधी में भी है. और ये वो स्टैचू है किंग का, जो किंग था यहाँ पर उस टाइम पे. These are the steps to go up into the main city, main place Mohenjo Daro. ये आप देख सकते हैं जनाब, एक आपको लेकर जाता है ख्वाबो ख्यालों में ये जगह. 4,700 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजो दाड़ो का शहर, जो उस ज़माने के लिहाज से सबसे जदीद शहर था, एक जदीद स्ट्रक्चर के साथ, एक सिस्टम के साथ. सो गाइज, राइट नाउ आई एम एग्जैक्टली एट द साइट ऑफ मोहनजो दाड़ो, द इनिशियल सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली. एट दैट टाइम बैक इन 4,700 ईयर्स अगो, दिस वॉज द प्लेस. With the modern city of that time, with the proper structure, proper policing and laws, regulations for trading, business and for different things, you can see this, all of the structure. Janab, ye wo original site hai, ye jagah aapko lekar jati hai 4,700 साल पुराने ज़माने में, जब इंडस वैली दुनिया के 4-5 ऐसी जगहें थी जहां पर इस तरह जदीद शहर बने थे उस ज़माने में. बहुत दूर से लोग आते थे इसको देखने और इसमें कारोबार करने. तो ये बहुत ही तारीखी जगह है. सिंध में लाड़काना से 30 किलोमीटर दूर है ये, और रोड भी बना हुआ है सही, और यहाँ पर जो निज़ाम है वो भी बेहतर है. इट इज़ जस्ट 30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम लाड़काना सिटी इन सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, एंड देर इज़ ऑल्सो एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच यू कैन यूज़ फ्रॉम कराची. आई मीन यू कैन टेक अ फ्लाइट फ्रॉम कराची टू रीच हियर टू मोहनजो दाड़ो. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू शो यू इट फ्रॉम एवरी एंगल, बिकॉज दिस इज़ द डे इट वॉज माई ड्रीम प्लेस टू विजिट. And today, I'm here. ये काफ़ी बड़ी साइट है. आप, मैंने जूम किया हुआ है, आप सामने देख सकते हैं. वहाँ से ये स्टार्ट है मोहनजो दाड़ो का, ये अजीम शहर. और इधर आप देख सकते हैं ये मोहनजो दाड़ो शहर का जो स्ट्रक्चर है और जो अभी बाकियात है इसकी, ये आप देख सकते हैं. ये पूरा यहाँ तक गया हुआ है. फिर ये अगर आप इधर देखेंगे तो ये टॉप पे ये जगह बनी हुई है. ये किस्म से वो मरकज़ी जो जो किंग बैठता था यहाँ पे, या जो सरबरा होता था उस शहर का, वो यहाँ पे बैठता था. तो ये जगह है. फिर इस तरह आप जाते हो. अब आगे मैं जाता हूँ, आगे आपको दिखाता हूँ. आज इतवार का दिन है तो काफ़ी रश है यहाँ पे, ये मोहनजो दाड़ो के साइड पे. ये वो स्ट्रीट्स है
the streets here, Mohenjo Daro city mein, jisme log chalte the, yahan pe jo bazaar hote the, shops, dukane hoti thi, ye hui original halat mein to nahi keh sakte, lekin wo structure baki hai yahan pe. आप देख सकते हैं कितना मजबूत स्ट्रक्चर है. ये इसका सीवरेज का निज़ाम लग रहा है और ये आप कह सकते हैं कि पानी, बारिश वगैरह का पानी जो है निकालने के लिए बहुत बड़ा यहाँ पे वो लाइन नज़र आ रही है यहाँ पे. और ये ऊपर से फिर इसको बंद किया गया है और यहाँ से वो पानी नीचे निकलने का रास्ता बनाया गया है जो कि इस तरह नज़र आ रहा है आपको. ये गलियाँ, ये बाज़ार, ये छोटे छोटे गलियां और इसके अंदर ये स्ट्रक्चर और ये वो बाकियात और ये सारे जो चीज़ें हैं ये आपको उस ज़माने में लेकर जाती है आज से 4,000-5,000 साल पहले के ज़माने में कि किस तरह यहाँ पे निज़ाम चलता था. तो आप देख सकते हैं यार, ये मैं तो ख़ुद तारीख़ का बड़ा जो है फ़ैन हूँ, तो ये वाकई मतलब इंटरेस्टिंग जगह है. और मैं यहाँ आया हूँ तो मैंने जैसे एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा अच्छी जगह है ये, यानी तारीख़ी लिहाज से. ये उस सिविलाइजेशन या उस शहर जो मोहनजो दाड़ो शहर है, ये इसका मेन स्ट्रीट लगता है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे ये पानी के लिए जगह भी बनी हुई है. अभी तो इसके ऊपर पत्थर रखे गए हैं. आप ये ओरिजिनल ना भी हो ना तो ये तकरीबन सेम उसी तरह ही लगता था. ये जो स्ट्रीट है ये बड़ी नज़र आ रही आपको लग रहा होगा, ये मेन स्ट्रीट है. मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं ये मेन वो जो किंग या बादशाह जिसको आप कह सकते हैं वो जो जहाँ पे बैठता था वो ऊपर वो महल आपको नज़र आ रहा है. ये मोहनजोदाड़ो जो शहर है उसके बिल्कुल ऊपर बना हुआ है और नीचे से बड़ा खूबसूरत नज़र आता है. एक बात जो और मुझे आपको बतानी थी वो ये कि यहाँ पर करीब करीब चूँकि लड़काना शहर के काफ़ी करीब है ये मोहनजोदाड़ो की साइट, तो यहाँ पर मोबाइल के सिग्नल्स भी आते हैं, इंटरनेट भी काम करता है, तो फैसिलिटीज़ आलमोस्ट अवेलेबल है आपको. रोड भी सही है, साथ में एयरपोर्ट भी है, तो यहाँ आना इतना मुश्किल नहीं है. कराची से भी 7-8 घंटे में आप पहुँच सकते हैं. आज इतवार का दिन है और यहाँ पर काफ़ी रश है मोहनजोदाड़ो में. वैसे भी नॉर्मली यहाँ लोग काफ़ी आते हैं, बाहर से भी आते हैं, आई मीन जो बाहर की कंट्री से भी रिसर्च के लिए यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं. यहाँ पे एयरपोर्ट भी है, लेकिन लोकल भी यहाँ काफ़ी सारे लोग मैंने देखे हैं वो भी आते हैं मोहनजोदाड़ो देखने के लिए. एक चीज़ जो मुझे पता चली है यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन बोर्ड है वो पढ़ने के बाद, मैं ऑलरेडी पढ़ चुका था लेकिन मेरे जहन से निकल गया था, वो ये कि ये जो साइट है मोहनजोदाड़ो जो सिटी है बेसिकली जो सिविलाइजेशन है ये 1911 में डिस्कवर हुई, दरियाफ्त हुई, तो आज से तकरीबन 107 साल पहले. यानी ये शहर तो 4,700 साल पुराना है लेकिन डिस्कवर ये आज से 108 साल पहले हुआ है, ठीक है. और ये जो शहर है मोहनजोदाड़ो जो सिविलाइजेशन है ये 700 साल तक कायम रहा था. यानी 700 साल तक ये शहर कायम और दायम था, उसके बाद जाकर ये शहर तबाह हुआ, यानी कि इसकी डिस्ट्रक्शन जो है वो वाक़ हुई. और उसके अलावा जो बात है वो ये है कि दुनिया की 5 ऐसे कदीम सिविलाइजेशंस हैं
जिसमें से एक तुर्की में है, एक मिस्र में है, एक साउथ अमेरिका में है और एक सेंट्रल यूरोप में है, और एक ये है मोहनजो दाड़ो जो सिंध में है। तो ये दुनिया के पांच जो अजीम सिविलाइजेशंस हैं उसमें से एक मोहनजो दाड़ो है। पुराने जमाने की कश्ती मोहनजो दाड़ो साइड से बाहर, what you can see। मेरा दिल तो जाने को नहीं कर रहा यहाँ से, क्योंकि ये जगह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, लेकिन अभी मैं आगे जा रहा हूँ। मोहनजो दाड़ो जो साइट है या जो सिटी है वो बिल्कुल मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, वहाँ पीछे रह गई। अभी मैं आगे जा रहा हूँ और मैंने जो देखा था उसमें मुझे ये मालूम हुआ है कि यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है,